रफ़ी के जायके में आप सभी को खुशामद। तो आज हम बनाने वाले हैं मटन सीख कबाब। मटन सीख कबाब बनाने के लिए मैं आपको मेजर रेडी करके दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ लगेगा, एकदम आसान तरीका। तो ये मैंने कुछ कीमा लिया है, मुझे एक पोर्शन आपको मैं बना के दिखाता हूँ। धोखे कीमा धोखे मैंने स्टीम कर लिया है। तो ये मेरा कीमा और ये मेरा कुछ मिर्चा है, तीन मिर्ची है, हरी धनिया है, पुदीना है और एक डेढ़ इंच अदरक है और ये चार कली हमारा लहसुन है, पांच कली और थोड़ा सा चीज़ है। तो ये चिकन जो हमने लिया है, वो चिकन लिया है इस वजह से कि बहुत से लोग बनाते हैं तो उनका सीख कबाब टूट जाता है। तो इतना बढ़िया सीख कबाब एकदम स्मूथ भी बनेगा और एकदम शाइनिंग रहेगी। तो ये चिकन सीख कबाब आप मटन के अंदर चिकन थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो आपको लगाने के लिए ईजी रहेगा, गिरने का टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आगे स्टेप पे चलिए सर, हम बताते हैं कि आपको कैसे बनाना है। तो ये हमने एक बॉल ले लिया है, बॉल के अंदर अभी क्या करेंगे, ये हमने कीमा डाल दिया। तो मैंने जो मसाले दिखाया था उसको हमने सब कुछ डाल दिया, मिला दिया है। अब मसाले डालते हैं, नमक, काला नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, जीरा पाउडर, ब्लैक पाउडर, जीरा और कस्तूरी मेथी लास्ट में डाला। अब इसके बाद में हम मिक्स कर लेते हैं इसको, मिक्स करके और उसके बाद में हम कीमा करके दिखाएंगे आपको। ये थोड़ा सा कलर ऐड कर देते हैं, आप चाहो तो ना भी करो, ऑप्शनल है। क्योंकि अब ये हमने कीमा निकाल लिया है और कीमा निकाल के उसको थोड़ा मसल लेना है। मसलने के बाद में आपको खूब अच्छी तरह से मिला के रोल कर लो और उसके बाद हाथ में पानी लगा के और स्कीवर में आपको लगा देना, चिपका देना है। तो ये मेरा सीख कबाब लग रहा है और अच्छी तरह से आप सीख कबाब लगाने के बाद में ये हमने थोड़ा सा अंडा रखा है। तो अंडा लगाने का मतलब होता है कि बहुत से लोगों को है ना कि शाइनिंग नहीं कर पाते हैं, चिकना नहीं कर पाते हैं, तो अंडे से लेप लगा के क्या होता है, खूब अच्छी तरह शाइनिंग आ जाता है और खूब बढ़िया सा शाइनिंग आ जाता है। देखो ये सीख कबाब एकदम कितना बढ़िया सा सुंदर सा दिख रहा है। तो आप कभी भी अंडे का लेप ज़रूर लगाएं। और ये मैं भट्टी में डाल रहा हूँ, अभी ये 5 मिनट के बाद में मैं खोलूँगा। ये मेरा सीख कबाब, थोड़ा बटर मार देते हैं और बस 2 मिनट के लिए डालते हैं। और ये ढक्कन लगा दिया और ये मेरा सीख कबाब रेडी हो गया। देखो कितना अच्छा शाइनिंग है। आगे साफ़ करने के बाद बस इस तरह स्ट्रेट रख के और आपको सीधा खींच देना है। और ये बढ़िया सा पीस कर देना है। देखो बर्फ़ी जैसी पीसें कितनी अच्छी बन रही हैं। तो सीख कबाब जब टूट जाता है तो वो थोड़ा भद्दा लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। इस तरह आप लगाओ सीख कबाब। आप चाहें वैसा लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि मैंने ऐसा लगाया तो आप भी ऐसे ही लगाएं। आप जिस तरह चाहें। ये मेरा सीख कबाब रेडी हो गया।